हेलो एवरीवन, आज है मंगलवार 1 नवंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के शेयर के बारे में। बिरला सॉफ्ट एक दिग्गज आईटी कंपनी है, सीके बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का अच्छा पार्टिसिपेशन है और सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। शेयर प्राइस में अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो शेयर प्राइस में ऑलरेडी 33% का करेक्शन आ चुका है। तो शेयर अपने 1 साल के लोएस्ट प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 262 का लो है करीब करीब 1 साल का और शेयर अभी 273 पे ट्रेड कर रहा है। 1 साल में ये शेयर 585 रुपये तक भी गया था। तो शेयर प्राइस डिस्काउंटेड है और एक दिग्गज आईटी कंपनी है ये। ऐसे में क्या करना चाहिए बिरला सॉफ्ट के शेयर में, क्या है कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी क्या काम करती है और ये शेयर किस प्राइस टारगेट तक जा सकता है, ये सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो में फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर बिरला सॉफ्ट की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी काफ़ी बड़ी है। सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। कंपनी के 12,200 प्लस इम्प्लॉयज़ है और सीके बिरला ग्रुप का 160 साल से ऊपर का हेरिटेज है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी सारे मॉडर्न आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशंस में है। कंपनी डेटा एनालिटिक्स में है, कंपनी कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में है, कंपनी इंटेलिजेंट ऑटोमेशन में है, क्लाउड में है, ब्लॉकचेन में है, कंपनी सैप में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, पीटीसी में है, AWS में है और गूगल क्लाउड में है। तो आज सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उस पर ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में है, कंपनी आईटी ट्रांसफॉर्मेशन में है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट में है, टेस्टिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड टेक्नोलॉजी में है। तो कंपनी के पास काफ़ी सारी सर्विसेज हैं और कंपनी के पास काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं और ये एक दिग्गज कंपनी है जो सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी बैंकिंग को, कैपिटल मार्केट को, एनर्जी और रिसोर्सेज को, हाईटेक को, इंश्योरेंस को, लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर को, मैन्युफैक्चरिंग को, मीडिया और इंटरटेनमेंट को और यूटिलिटीज को सर्व करती है। तो एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को बिरला सॉफ्ट सर्व करती है और सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की बात करें या क्लाउड की बात करें या ब्लॉकचेन की बात करें या सैप की बात करें तो ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं और बिरला सॉफ्ट इस पे काम करती है। तो कंपनी का कामकाज काफी स्ट्रांग दिखता है जब मैं इस कंपनी के वेबसाइट पर जाता हूँ। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूँ दोस्तों, तो मार्केट कैप है 7,386 करोड़ का और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी है 19.47% का, डिविडेंड यील्ड है 1.66% का। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूं तो वो है 15.88 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 59.26 का। तो शेयर सस्ता नजर आता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं तो, और कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे स्ट्रांग दिखते हैं और शेयर प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन है। शेयर करीब करीब अपने 1 साल के लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में टिकर टेप पे जाके देखना जरूरी होगा कि क्या है इस शेयर का प्राइस फोरकास्ट, और टिकर टेप ये बताती है कि ये शेयर 287 से लेकर 477 रुपये का प्राइस टारगेट दिखा सकता है। तो 6% से लेकर 76% तक का अपसाइड ये शेयर दिखा सकती है। अभी शेयर 273-74 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा अपसाइड है और एक दिग्गज कंपनी है ये सीके बिरला ग्रुप की, और कंपनी 76% तक का अपसाइड दिखा सकती है। डाउनसाइड रिस्क काफी कम है इस शेयर में और अपसाइड पोटेंशियल काफी हाई है। 80% एनालिस्ट टिकर टेप पे इस शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और अगर मैं टिकर टेप पे चेक करता हूं तो सारे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट मुझे ग्रीन में नजर आते हैं। करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, स्टॉक बेटर रिटर्न देती है एफडी से, कोई रेड फ्लैग भी नहीं है और शेयर ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। और जैसा मैंने बताया 477 रुपये का प्राइस टारगेट ये शेयर दिखा सकती है ऊपर में, मतलब 76% का अपसाइड है इस शेयर में। शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं दोस्तों, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्रमोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है सितंबर क्वार्टर में 41.48% की और प्रमोटर्स ने 1.16% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि प्रमोटर्स इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। एफआईएस की हिस्सेदारी 12.95% की है सेप्टेम्बर क्वार्टर में और एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी 2.29% से गिराई है। फंड्स की हिस्सेदारी 18.22% की है और म्यूचुअल फंड ने
0.02% से अपनी हिस्सेदारी सितंबर क्वार्टर में गिराई है, पर अभी भी म्यूचुअल फंड्स की अच्छी होल्डिंग है बिरला सॉफ्ट के शेयर में 18% के आसपास। और अगर मैं बताऊं तो म्यूचुअल फंड्स की 24 स्कीम्स ने बिरला सॉफ्ट के शेयर में पैसा लगाया है और 160 FIIs ने बिरला सॉफ्ट के शेयर में पैसा लगाया है। अगर मैं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करूं तो वो है एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.41% की है। तो बिरला सॉफ्ट के शेयर में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, FIIs का अच्छा पार्टिसिपेशन है सितंबर क्वार्टर में भी, और म्यूचुअल फंड्स का भी अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिखता है बिरला सॉफ्ट कंपनी का। अगर मैं कंपनी के रिजल्ट्स की बात करूं दोस्तों, तो मैं सितंबर क्वार्टर का बात करना चाहूंगा, और सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1192 करोड़ का है, और यहाँ पे कंपनी अच्छा करते हुए दिख रही है, क्योंकि जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1154 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक जंप है, क्योंकि सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1012 करोड़ का था। तो यहाँ पे एक जंप जरूर दिखता है, रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी अच्छा करते हुए दिखती है। और कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ कंपनी थोड़ा सा चूक गई है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है सितंबर क्वार्टर में 115 करोड़ का, जबकि जून क्वार्टर में ये प्रॉफिट था 121 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी चूक गई है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा किया है, क्योंकि सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 103 करोड़ का था। तो कंपनी के रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं सितंबर क्वार्टर में, लेकिन ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा कर रही है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखूं तो कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है। ये ग्राफ देखिए दोस्तों, ये ऊपर ही जा रहा है। 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4130 करोड़ का है, जो 3556 करोड़ के मुकाबले एक जंप है। तो कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। और अगर मैं बात करूं ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट की, तो यहाँ भी एक इंक्रीज देखने को मिलता है। 2022 में 464 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी के का, जबकि 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 321 करोड़ का, उससे पहले था 224 करोड़ का। तो ये भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, और कंपनी अपने नेटवर्थ को भी लगातार इंक्रीज कर रही है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कंपनी का नेटवर्थ लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा है। 2583 करोड़ का नेटवर्थ है 2022 में। तो कंपनी अच्छा कर रही है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। पिछले कुछ महीने आईटी कंपनीज के लिए अच्छे नहीं रहे थे दोस्तों, सिर्फ बिरला सॉफ्ट का शेयर ही नहीं गिरा बल्कि ज़्यादातर आईटी कंपनीज के शेयर गिरे, और रीज़न था यूएस और यूरोप में एक रिसेशन का माहौल था। यूएस और यूरोप में इन्फ्लेशन था, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही थी, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया, और इंडियन आईटी कंपनीज को बिजनेस यूएस और यूरोप से ही मिलता है सबसे ज़्यादा। तो इंडियन आईटी कंपनीज के अर्निंग पे और अर्निंग विजिबिलिटी पे असर पड़ा, लेकिन अब समय सुधर रहा है, और मुझे लगता है एक अच्छा मौका है इन कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के लिए। मैं आपको बता दूँ कि आईटी सर्विस आज की दुनिया का एक एसेंशियल और क्रिटिकल पार्ट है, और आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है। इंडियन आईटी कंपनीज, बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनीज दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज में आती हैं। इनका डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है, और बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, और अभी सस्ते दामों पे मिल रही है। पिछले एक साल में शेयर में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, ये शेयर एक साल के लोएस्ट प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसीलिए टिकर टेप में इस शेयर को लेकर काफ़ी ऊपर के प्राइस फोरकास्ट है। 287 से लेकर 477 रुपये का प्राइस टारगेट ये शेयर आराम से दिखा सकती है। तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका है बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनी को एक्यूमुलेट करने का। आप अगर आप कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे ये कंपनी काम करती है, चाहे गूगल क्लाउड की बात करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, चाहे डेटा एनालिटिक्स की बात करें, चाहे क्लाउड की बात करें, चाहे ब्लॉकचेन की बात करें, ये सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं दोस्तों जिस पे ये कंपनी काम करती है। कंपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में है, कंपनी टेस्टिंग में है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट में है, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन में है, और कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री को सर्व करती है। कंपनी बैंकिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, कैपिटल मार्केट को, इंश्योरेंस को, एनर्जी रिसोर्सेज को, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, ये सारी इंडस्ट्री को सर्व करती है। सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, 12,200 प्लस इंप्लॉयज हैं, और सीके बिरला ग्रुप का 160 साल पुराना हेरिटेज है। मुझे लगता है क्वालिटी कंपनी है बिरला सॉफ्ट जो भी सस्ते दामों पर मिल रही है। डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम है,
आईटी कंपनीज के शेयर में जो डाउनफॉल आना था दोस्तों वो आ चुका है। अब जो डाउनफॉल अगर आएगा भी तो वो काफी कम आएगा और अपसेट पोटेंशियल काफी हाई है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एक अच्छा मौका है बिरला सॉफ्ट जैसी क्वालिटी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का, क्योंकि एक क्वालिटी कंपनी सस्ते रेट्स पे मिल रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। मैंने आपको दिखाया कि कंपनी कैसे ईयरली बेसिस पे अपने रेवेन्यू को अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। जून क्वार्टर या सितंबर क्वार्टर ज्यादातर आईटी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं रहा था, पर आने वाले क्वार्टर्स इन कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी रिसेशन का जो प्रेशर है दोस्तों वो टेम्प्रोरी है। यूएस और यूरोप में जो रिसेशन का प्रेशर है अभी वो टेम्प्रोरी है, पर आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस और ये जो इंडियन आईटी कंपनीज है वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और आईटी आज की दुनिया का नीड है। आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है। मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट के शेयर को एक्युमुलेट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। साथ ही एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए है, ये शेयर खरीदने का एडवाइस बिल्कुल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।